नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण के नए चेयरमैन की हुई नियुक्ति। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अपीलीय न्यायाधिकरण का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा ऑर्डर जारी किया गया है। जस्टिस M.N. भंडारी को इस न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है, जो मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से आज यानी 12 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैन्युपुलेटर एक्ट SAFEMA के तहत इस न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें वेतन के रूप में 2.5 लाख रुपए मिलेगा। वह अपने पद पर 4 साल के लिए अथवा 70 वर्ष प्राप्त करने की आयु तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर बने रहेंगे। इस पद के कार्यकाल से संबंधी प्रावधान ट्रिब्यूनल कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 2021 और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के तहत किया गया है, जो 13 अगस्त 2021 को प्रकाशित किए गए थे। जस्टिस भंडारी को जुलाई 2007 में राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और उसके बाद मार्च 2019 में उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र किया गया था। जून 2019 में मद्रास उच्च न्यायालय के एक्टिंग चीफ जस्टिस भी बने थे। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने यह सिफारिश किया था कि मद्रास उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी को मेघालय हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए, फिर उसके बाद वह महत्वपूर्ण रूप से मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून को अधिनियमित किया गया था। इसके तहत सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को गैर कानूनी तरीके से कमाए गए धन और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया है। साल 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA को पारित किया गया था। उसके बाद 1 जुलाई 2005 में इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग पर पूरी तरह रोक लगाना है। इसके अलावा इस एक्ट का अन्य उद्देश्य आर्थिक अपराधों में काले धन के इस्तेमाल को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे मिली संपत्ति को जब्त करना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दूसरे अपराधों पर अंकुश लगाना है। गौरतलब है कि गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई, नशीले पदार्थों की तस्करी और जिस्म फरोशी में शामिल लोग जो इनके जरिए कमाई करते हैं, उन्हें भी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। बता दें कि 2012 में किए गए संशोधन के मुताबिक सभी फाइनेंशियल संस्थाओं, बैंकों, म्यूचुअल फंडों, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर भी PMLA लागू होता है। 2019 में भी इस कानून में कुछ संशोधन के रूप में बदलाव किए गए थे। इसके मुताबिक ईडी द्वारा उन लोगों या संस्थाओं पर भी कार्रवाई की जा सकती है जिनका अपराध PMLA के तहत ना हो। आइए अब बात करते हैं इस खबर से जुड़े एक प्रश्न की। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, साल 2012 में धन शोधन निवारण अधिनियम या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA को पारित किया गया था। उसके बाद 1 जुलाई 2015 में इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। दूसरा कथन है, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट SAFEMA के तहत PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं, यह आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए GS World को।